अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल क्लास टू स्टूडेंट्स. आई एम बुशा फरहान, यू नो, एंड वी आर टेकिंग आवर सोशल स्टडीज लेसन नाउ. टुडे इज 15 सितंबर 2020 एंड टुडे इज ट्यूसडे. यस, ओके. एज यू नो दैट वी हैव फिनिश्ड विद अ सिलेबस ऑफ फर्स्ट टर्म व्हिच वट एवर हैज बीन गिवन टू यू इन द टर्म प्लानर्स. हमारा सारा काम टर्म प्लानर के मुताबिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. स्किल्स बुक पे और बुक पे और कॉपीज पे वट एवर वर्क वी हैव डन इन रिटन फॉर्म यू पीपल हैव टू गेट इट डन इन योर नोटबुक्स, ठीक है. अब ये है कि वी विल बी स्टार्टिंग विद आर रिविजन सेशन फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स एंड वी विल बी डूइंग वन और टू यूनिट्स एवरी वीक टू रिवाइज. वी विल बी डूइंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स प्लस रिवाइजिंग ऑल द डिटेल्स इन द टॉपिक इन इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर. तो वट यू हैव टू डू इज दैट वाइल वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू कीप योर बुक्स in front of you and your notebooks as well, because we'll be doing written work for fill in the blanks and true false statements in your and you'll be writing them in your notebooks as well. This will cover our objective portion and subjective we have already done related to questions and answers, right. Now moving on, today we'll be revising first two units of your book World Watch 2. Okay, we'll be revising unit number one first, a family wedding and a new house. Unit number one, it's just revision, but revision is very important. A family wedding and a new house. Wedding kya hoti hai? जी आवाज नहीं आ रही आज, लेजी तो नहीं हो गए कहीं? सैफला बताइए वेडिंग क्या होती है? वेडिंग होती है शाबाश, वेडिंग होती है शादी, किसी की भी शादी, ठीक है. फैमिली वेडिंग का मतलब कि हमारी फैमिली में किसी की शादी, कि आपने पढ़ी है ना ये स्टोरी, तो फैमिली में किसी की शादी का वाक्य मतलब शादी का जो फंक्शन है वो किसी ने रिलेट किया है और एक नए घर के बारे में भी बताता है. इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स थे? इस सारे बुक में ज्यादातर हमें राफे और हिबा का नाम नजर आया है, उनकी फैमिली के बारे में बात हो रही है ना. इसके साथ हमने उसमें दे हैव गिवन द डिटेल्स ऑफ द फैमिली. फैमिली में वी स्टार्ट फ्रॉम द ग्रैंडफादर, राइट. ग्रैंडफादर, then father, father के बाद mother, then son और daughter. these are the members in a particular family we have, ठीक है. पाकिस्तान का फैमिली सिस्टम जो है ना वो बड़ा अच्छा और बड़ा स्ट्रांग है. अभी तक we haven't forgotten our customs, है ना. हमारी रिवायत में शामिल है ना ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी या नाना नानी फैमिली में मौजूद होते हैं और माँ बाप और बेटा या बेटी मौजूद होते हैं और ये पूरी एक हैप्पी फैमिली बन जाती है. इनके इन दोनों के हमारे पास होने का क्या फायदा होता है जी? दुआ आप बताइए कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर जब हमारे साथ रहते हैं तो क्या फायदा होता है फैमिली को जी? सबसे बड़ा फायदा तो हमें ये होता है कि हमें उनकी तरफ से बहुत प्यार और मोहब्बत मिलती है ना. उनकी बहुत सारी अटेंशन मिलती है हमें और हम उनसे अपनी फरमाइशें भी पूरी करा लेते हैं या मामा बाबा को मनवा भी लेते हैं कि इनसे बोले हमें एक फला जीत लेते हैं ना. और इसके सबसे ज्यादा, इससे भी ज्यादा फायदा हमें ये होता है कि दादा दादी या नाना नानी की मौजूदगी जो है वो फैमिली में एक वो एक तरह से हमारे गाइड्स होते हैं, हमें डायरेक्शंस देते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं जिंदगी गुजारने के मामलात में, है ना. क्योंकि उनके तो अपना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ना जिंदगी का, तो वो हमें समझाते हैं हर मौके पर कि इस काम को ऐसे नहीं करो, इसको ऐसे करो, ये ऐसे कर ले तो बेहतर है और ये ऐसे कर ले तो ज्यादा बेहतर है. इसके अलावा हमारे आगे से
देखिए इसके एक्सटेंडेड फैमिली भी होती है ना, फादर हमारा मतलब फादर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर है, और हमारे माँ बाप है, हमारे माँ बाप के भी तो बहन भाई होते हैं ना, अंकल्स एंड आंट्स होते हैं है ना, वो हमारे चाचा या खाला या मामू इस तरह के रिश्ते होते हैं हमारे, फिर उनके जो बच्चे होते हैं वो होते हैं हमारे कजन्स, और कजन से तो बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, और मिलके शरारतें भी करते हैं, खाना पीना भी करते हैं, पढ़ाइयाँ भी करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं, है ना। तो ये एक एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर होता है, और हम इन रिश्तों के साथ सारी जिंदगी हमने रहना होता है, उनके साथ जिंदगी गुजारनी होती है, और इन की सपोर्ट के बगैर जिंदगी जो है वो काफी अधूरी अधूरी हो जाती है, खाली खाली सी, राइट। ओके, ये तो था फैमिली वेडिंग और न्यू हाउस का एक ब्रीफ सा एक रिव्यू जो हमने किया। देन यू पीपल हैव डन विद द मैप ऑफ पाकिस्तान। प्रोविंसेस, सिंध बलोचिस्तान जो है वो हमारा रकबे के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। फिर है पंजाब हमारे पास, फाटा, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, फाटा का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान, ये सारा हमारा हमारे मुल्क का मैप है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं लिखूं कि व्हाट आर द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, तो आप मुझे बताते जाए हम किस प्रोविंस में रहते हैं। शाबाश, वी लिव इन पंजाब। अच्छा, अब ये बताइए कि पंजाब, अभी हमने डिस्कस किया कि सबसे बड़ा सूबा एरिया के हिसाब से कौन सा है, जी बलूचिस्तान के बाद आबादी पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा सिंध, फिर क्या है खैबर पख्तून, केपीके कहते हैं ना, केपीके, और गिलगित बल्तिस्तान ठीक है। अच्छा, मैप पे एक एरिया है फाटा, एफटीए, ये जो है ये आजाद इलाका, ठीक है, पाकिस्तान की सरहद में आजाद इलाका है, ठीक है। अब पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड गिलगित बल्तिस्तान, ये नाम भूलेंगे तो नहीं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान। स्पेलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
यू हैव टू लर्न इट्स स्पेलिंग्स एज वेल. अगर आप पंजाब की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे सही तो पंजाब को पंजाब नहीं रहेगा ना, तो आपको आपका काम खराब हो सकता है. बलोचिस्तान, सिंध, इनके स्पेलिंग्स को अच्छे तरीके से आपने याद करना है. इंग्लिश के लेसन नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप तोड़ दें सिलेबस में और यूज योर जॉली फोनिक्स पंजाब, ठीक है, जॉली फोनिक्स के थ्रू भी कर सकते हैं और सिलेबस बना के भी कर सकते हैं. पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, बल्तिस्तान, राइट. ओके, ये तो हो गया हमारा यूनिट नंबर वन. अब इसके कॉपीज और नोटबुक्स व्हाटएवर आपके सामने होंगी, इसके हम थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ठीक है. इस यूनिट से थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे. Number one, likhiye sabhi fill in the blanks. Number one is Pakistan. How many provinces we have just discussed and we have read and learned their names as well. Kitne provinces hai Pakistan ke? Shabash. Fine. Very good. Okay, next is ye maine discuss to nahi kiya lekin aapko I hope pata hoga. Dash is the capital city of Pakistan. Bada asaan. Capital city of Pakistan. Kaun sa hai bhai? Capital kaun sa hai hamare mulk ka? Kaun sa shehar? Bada acha saaf sutra planned city. Shabash. Islamabad. Islamabad is the capital city of Pakistan. Number three. लिख लेंगे जल्दी से. जी लिख लिया. नेक्स्ट, कराची इज इन किस प्रोविंस में है कराची? बहुत से बच्चे हमारे यहाँ पे जाते रहते हैं कराची, उनके रिलेटिव्स हैं वहां पे, बताइए. कराची इज इन द प्रोविंस ऑफ, कराची इज इन द प्रोविंस ऑफ, शाबाश, सिंध. अच्छा, जैसे मुल्क का कैपिटल होता है ना एक शहर, वैसे हर सूबे का भी कैपिटल है. हर सूबे में का एक शहर को कैपिटल डिक्लेयर किया गया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी, ठीक है. अब कराची जो है वो सिंध का कैपिटल है. डैश इज द कैपिटल ऑफ पंजाब. ये बताइए जरा कि पंजाब का कैपिटल कौन सा शहर है? जी हम किस शहर में रहते हैं? हम रहते हैं पाकिस्तान के दिल में, हम रहते हैं लाहौर में. तो लाहौर है कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है. ओके, द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान इज कौन सा शहर?
बलूचिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा शहर है? कैपिटल जी बिल्कुल, कौन बोला ये? आज सुनाई दी है क्वेटा। शाबाश माया, क्वेटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने मेरे साथ इन स्टेटमेंट्स को एक दफा पढ़ लें, पढ़ेंगे तो आपको रिवाइज भी हो जाएंगे। पाकिस्तान हैज फाइव प्रोविंसेस। इस्लामाबाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। कराची इज इन सिंध। लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान इज क्वेटा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देख लें वर्ड से और लिख लें जल्दी से। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट्स, जितनी डे में आपने रिटन वर्क अपना फिल इन द ब्लैंक्स वाला किया, उतनी डे में मैंने आपके लिए नया बोर्ड तैयार कर लिया है। ये है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स। अब इसमें आपने मुझे जल्दी से बताते जाना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, एंड विच स्टेटमेंट इज फॉल्स या गलत है, मालूम आपको सारी। ठीक है, पढ़िए पहले जुमला क्या है। कराची, यस यस गुड, कराची इज इन पंजाब। अब आप ये मुझे बताइए कि मैं सही बोल रही हूँ, इस कराची इन पंजाब? नो, सो वी विल राइट फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज पढ़े क्या लिखा है। शाबाश, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। सही है? नहीं, कौन कह रहे नहीं? अरे भाई सही है, ट्रू है, ये अभी तो पढ़ा है हमने। ओके, पाकिस्तान हैज सिक्स प्रोविंसेस, छह सूबे पाकिस्तान के। शाबाश, गलत है जी, छह नहीं है, कितने हैं? गुड, पांच है। नेक्स्ट इज द कैपिटल ऑफ केपीके इज पेशावर। केपीके की कैपिटल की हमने बात नहीं की, लेकिन आप बताइए पेशावर का नाम सुना है? जी नाम ही काफी है पेशावर का। कैपिटल ऑफ केपीके इज पेशावर, ट्रू। पाकिस्तान इज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एज पर एरिया, रकबे के हिसाब से, जगह के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है बलोचिस्तान है। बिल्कुल जी, ट्रू। चलिए जी, आई एम गिविंग यू सम टाइम टू राइट इट डाउन। अब ये यूनिट नंबर वन की हमारी रिवीजन हो गई है। इन नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह विल स्टार्ट रिवाइजिंग यूनिट नंबर टू। मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक दफा स्कूल आने से पहले आपकी रिवीजन हो जाए और एक दफा स्कूल आने के बाद इंशाल्लाह, ताकि आपके सारे मसले मसाइल जो सॉल्व हो जाए रिलेटेड टू सोशल स्टडीज। कराची इज इन पंजाब, इट्स फॉल्स। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, इट्स ट्रू। पाकिस्तान हैज सिक्स प्रोविंसेस, इट्स फॉल्स। द कैपिटल ऑफ केपीके इज पेशावर, इट्स ट्रू। And Balochistan is the biggest province of Pakistan as per area is true, right? अब आपने ये काम अपनी कॉपीज में प्लीज अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है, बिकॉज दिस विल हेल्प यू अलॉट वेन यूल बी हैविंग योर टेस्ट और एग्जाम्स। ओके चले जी, आज के लिए सर विल जस्ट बी डूइंग यूनिट नंबर वन। हमने मैप ऑफ पाकिस्तान रिवाइज किया, हमने अ फैमिली वेडिंग को रिवाइज किया, फिर इन द ब्लैंक्स किए और ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स की। नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह विल बी डीलिंग विद चैप्टर नंबर टू। ओके, अल्लाह हाफिज़।